ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਸਰਦਾ ਆਈ ਹੋਪ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੈਟ ਹੋ ਗਏ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮਨ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅਮਵਾਨੀ ਰਿਐਕਟ ਤੇ ਸੋ ਯਾਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਕੇ ਲਈ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾ ਇੱਕ 올ਡ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਲੋਗੋ ਕਾ ਕਮੈਂਟ ਆਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੌਂਗਸ ਐਂਡ ਪੁਰਾਣੇ 올ਡ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋ ਪੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸੋ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 올ਡ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰੇ ਤੋ ਆਜੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋ ਹੈ ਇਸਮੇ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਯਾਰ ਗਾਇਕੀ क्या लाजवाब गायक की है इसमें तो चलो पहले देखते हैं स्टेज शो कैसा है फिर इसके बारे में बात करेंगे लास्ट में तो वीडियो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट बड़ी कम है ना आप सबके छोट भाई भतीजा पवन सिंह की तरफ से सब भैया चाचा लोग के ये सामने बैठल बा खड़ा बा जे साइड में बा सबके पैर छूके प्रणाम करत रे एक बार अपन हाथ उठा के दिल से आशीर्वाद दे दी जा ताली बजा के भैया हो माफी चाहता नहीं हम यहाँ गाना गावे खातिर नहीं आए आप सबके प्यार हमके यहाँ बुला लेला सर हमके बहुत दूर जाएगा बाप भी वीडियो की क्वालिटी भी कम है एक एक लाइन का हम रुआ सबके दुबो गाना सुनाई गीत संगीत के अंदर अगर कहीं गलती हो जाए तो अपन बेटा समझ के माफ कर दे सके क्या बात है यार क्या बात है स्टार्टिंग ही जबरदस्त स्टार्टिंग में दम तो है क्या बात है अब भी पूरा पढ़नी पढ़ो माई के अपना माई के कौना भाव में पुकार रहा था भैया सिंपल और आजकल के टाइम इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लगती है टाइम टाइम की बात कोई छोटा वाला भाई मैनेजर के सामने सब हट जाए भैया तेरी बैठ जाए टाइम के हिसाब से चेक सभा
भैया हो देखिए माहौल दोसर बा लेकिन फिर भी स्वर के दाता विद्यादायिनी माई सरस्वती है माई के वंदना हो रहा बात भैया देखो माई के जयकारा भी हो जाएगी चाहे दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोले एक बार सच्चे दरबार सही बात है टाइम पे आजकल कौन लगा पाता है यार भोजपुर इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जो कमल सिंह जैसे ऐसी आवाज दिया क्या बात है यार स्टेज शो यहीं तक था बट यार मतलब पवन सिंह जी की आवाज यार क्या बात है दिल खुश कर दिया मतलब ऐसी आवाज आजकल कहाँ देखने को मिलती है भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरे को नहीं लगता ऐसी आवाज किसी की भी है मतलब इस टाइप की अब गायकी सुनने को पवन सिंह जी की भी नहीं मिल रही है क्योंकि इस टाइप की जो ऊंचे ऊंचे सुर लगा के यार मतलब अब न्यू स्टेज शो उनके आने वाले हैं ऐसी गायकी सुनने को मिल जाए ना तो दिल खुश हो जाएगा यार मजा आ जाएगा बाकी यार क्या बात है मतलब ये स्टेज शो देख के दिल खुश हो गया मतलब यार इनका हम भी सोचते हैं कि कभी स्टेज शो लगेगा मतलब अब अगर हमारा मौका बना तो हम देखने जरूर जाएंगे बाकी यार स्टेज शो बहुत बढ़िया था एंजॉय किया हमने एंड आपने जागरण था ये जागरण था एंड जागरण भी मैया के गीत गाए हैं और मैया के गीत गा के इतना खुश कर दिया इन्होंने है ना तो ये बात हो कि सरस्वती विराजमान सरस्वती इनके गले में बसती ऐसे नहीं कहते हैं आशीर्वाद ही है एक ना आशीर्वाद है हाँ। तो यार हमने तो बहुत एंजॉय किया स्टेज शो आपने एंजॉय किया कि नहीं किया कमेंट करके जरूर बताओ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो मिलते हैं आपको अनदर एपिसोड पर धन्यवाद।